So we were getting a lot of requests that please show the property दिखाओ सोनो रोड के अराउंड हम मोस्टली प्रॉपर्टी हम आपको गोल्फ कोर्स रोड एंड यू नो डील निशान रोड की दिखाते हैं तो दिस टाइम वी ब्रिंग टू यू अ प्रॉपर्टी इन विपुल वर्ल्ड हम दिखाता हूँ आपको चैनल अगेन सबसे पहले तो द न्यू व्यूअर्स प्लीज सब्सक्राइब करो मेरा चैनल एंड जो पुराने हैं हु आर यू नो लॉयल टू अस डू गिव अ लाइक एंड डू रेफर अस सो दिस टाइम आई ब्रिंग टू यू अ 570 स्क्वायर यार्ड बिल्डर फ्लोर कॉर्नर बिल्डर फ्लोर इन विपुल वर्ल्ड विच इज ऑन द सोना रोड सो एक्सेस इसका क्या है सोना रोड से सीधा गेटेड कॉलोनी है सिक्योरिटी जेड है देन पार्क भी घर के साथ में ही है कॉर्नर प्रॉपर्टी है वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी एम्पल सनलाइट वेंटिलेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है 570 गज है इन अ प्राइस दैट विल ब्लो योर माइंड अगेन या बिकॉज प्राइस बहुत अच्छा है बिकॉज साइज बहुत बड़ा है आपको इसमें 4 BHK मिलता है विद लॉबी विद ड्रॉइंग विद वेरी ह्यूज किचन टेम्पल रूम एवरीथिंग दैट यू वॉन्ट सो कम लेट्स चेक आउट दिस प्रॉपर्टी एंड लेट मी शो यू दैट यस इट्स अ वेरी गुड डील टू क्रैक कम दिस इज़ द लिफ्ट लॉबी इसमें सर्वन क्वार्टर्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है सो दैट्स द रीज़न आई डिडंट शो यू अभी पार्किंग लॉट और सर्वन क्वार्टर का काम चल रहा है सो वी केम अप एंड दिस इज़ हाउ द एंट्रेंस टू द फ्लोर लुक्स लाइक सिंपल एंड सोबर सो देयर इज़ अ कार्पेट ग्रास जस्ट एट द एंट्रेंस एंड दिस इज़ द मेन डोर टू द फ्लोर एंड जैसे ही हम अंदर चलते हैं सीलिंग पे यू कैन सी देयर इज अ वुडन फॉल सीलिंग एंड आपके सामने टर्कोइज कलर का वॉलपेपर आ जाता है एंड एज यू टेक अ लेफ्ट सो दिस इज अ ड्रॉइंग रूम सो द कलर कॉम्बिनेशन इज द फर्स्ट थिंग दैट अट्रैक्टेड मी इट्स अ टर्कोइज कलर वॉलपेपर वेलवेट फिनिश सिंपल फॉल सीलिंग and Italian marble. So beige, white and turquoise is the color scheme which is very elegant. And size agar aap drawing room ka dekhoge to it's quite wide. Drawing room hamesha jitna wide ho utna better hai. So it's quite wide and that's how the LCD panel looks. As you can see, this is the Italian marble. And those are the matching curtains with it and this is the powder room so this is the powder room so this bathroom is also attached to the room in the front which is besides this particular bathroom so bathroom mein inhone brown color ki tiles di hain good color scheme so this is the adjoining balcony जहाँ पे मैं आपको अभी लेके जाऊँगा एज यू कैन सी मैश लगा हुआ है एंड UPVC स्लाइडिंग डोर्स एंड विंडोज हैं एंड जैसी बैल्कनी ओपन करता हूँ आप क्या फील करते हो दैट एम्पल सनलाइट बहुत ज़्यादा है बिकॉज इट्स अ वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी तो सुबह 12 बजे के बाद सीधा धूप घर के सामने आएगी एंड कॉर्नर है तो सारा हर जगह से धूप आनी ही आनी है सो दिस इज़ हाउ द बैल्कनी लुक्स सो दिस इज अ प्राइवेट बैल्कनी रूम के साथ प्राइवेट है इधर की भी ड्राइंग रूम की भी अपनी प्राइवेट बैल्कनी है सो नाउ आई विल बी टेकिंग यू टू द फ्रंट रूम
ड्राइंग रूम से निकले, फॉयर में आए एंड फॉयर से फिर लेफ्ट लिया तो फ्रंट रूम, दैट इज़ रूम नंबर वन। तो रूम नंबर वन जैसे ही हम एंटर करते हैं, व्हाट डू यू सी? एम्पल सनलाइट अगेन, सो सिंपल फॉल सीलिंग, वो आपका एलसीडी पैनल आ जाता सामने। दिस इज़ दी एडजॉइनिंग बालकनी, कॉर्नर है तो ये बालकनी एल शेप है, तो दिस इज़ अ एल शेप बालकनी जो आपको पीछे की तरफ तक जा रही है। इस रूम में आपको वॉक इन क्लोजेट मिलता है, एज आई विल शो यू नाउ। सो वॉक इन क्लोजेट विद द अटैच बाथरूम, सो दिस इज अ फोर डोर वार्डरोब एंड ये वही सेम बाथरूम है जो ड्राइंग रूम से भी अटैच्ड है फॉर गेस्ट। सो आप फ्रंट रूम को गेस्ट रूम बना सकते हो एंड जो पीछे के तीन रूम्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो आपके प्राइवेट रूम्स हो जाते हैं। जैगवार का सिंक है, सॉरी वॉश बेसिन। सो फ्रंट रूम से निकल के जब फॉयर में आते हैं हम, यू कैन सी दिस ग्लास वर्क एंड सो दिस इज द होल लॉबी एरिया विच इज़ अ ह्यूज एरिया टू बी ऑनेस्ट। हियर यू कैन कीप योर डाइनिंग बिकॉज इट जस्ट एडजेसेंट टू द किचन। ये आपका फैमिली लॉन्च आ जाता है, तो 570 गज है तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है आपको। ह्यूज लॉबी, फॉयर, ड्राइंग, फैमिली लॉन्च, सब काफ़ी बड़े एरियाज मिलते हैं। लेआउट काफ़ी अच्छा है बिकॉज वो बाइफर्केट कर रहा है प्राइवेट स्पेस को फ्रॉम द ड्राइंग रूम। सो दिस इज़ द किचन, दिस इज़ हाउ द किचन लुक्स, आई विल शो यू प्रॉपरली एंड दिस इज़ द wash basin area, like if you keep your dining here you can wash your hands and all that here, you do not need to use the loo to just wash your hands. This is the family lounge, yahan pe aap apna home theater laga sakte ho and you can just chill. And agar aap dekhoge to family lounge ke sath bhi there is an adjoining balcony jo maine aapko bataya tha ki it's a L shaped balcony jo aage se it is running till here. So let's head towards the kitchen. It's an open kitchen and as you can see ye inhone a kind of a breakfast table di hai. You can keep your high chairs here and eat your breakfast here. You can also have your lunch and dinner here, up to you. So this is the slab of the kitchen and let me show you the pantry. This is the pantry area. गुड स्टोरेज स्पेस ऑल ओवर, काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज स्पेस है। दीज आर फॉर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, मेनली वेजिटेबल। सो अभी इसमें चिमनी एंड ऑफ इंस्टॉल होना है। दिस एरिया फॉर द डबल डोर फ्रिज एंड दैट्स हाउ द किचन लुक्स एंड यू गाइस मस्ट बी थिंकिंग इसका सिंक एरिया कहाँ है? वे विल बी वॉश आवर डिशेज, so let me show you that, it's a surprise. So just again showing you the storage area. So this is the area, here you can install your dishwasher and then this is your sink area. So you see how amazingly the layout has been laid out for this particular unit. So double sink area, good fixture. So आपकी maid अलग से corner में, she can clean the dishes and you can cook. So kitchen से निकल के अब मैं आपको room number 2 में लेके जाता हूँ। So this is room number 2 and yeah, rooms में tiles हैं and बाकी drawing, lobby, foyer, everywhere, kitchen, it's Italian marble. So again adjoining balcony, यहाँ पे आपका bed आ जाएगा and then that's the place for your LCD panel, that's the adjoining balcony. Ventilation ki koi problem bhi nahi hai ghar mein. So this is the dressing area, the walk-in closet, with the attached bathroom.
हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें ग्लास प्रोविजनिंग नहीं करी हुई विच बाइफर्केट्स द शॉवर एरिया, तो दैट कैन बी टॉक्ड अबाउट एंड दैट कैन बी डन, नॉट अ प्रॉब्लम. सारी मॉडिफिकेशन जो भी अगर किसी को पसंद आता है, वी सिट एंड डू द मीटिंग, तो मॉडिफिकेशन आपके हिसाब से जो भी आप चाहते हो कैन बी डन. स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती, बट ऑल दीज स्मॉल थिंग्स आर फाइन. सो रूम नंबर 2 के बाद अब रूम नंबर 3 में लेके चलता हूँ आपको. सो दिस इज रूम नंबर 3. इसमें वुडन फ्लोरिंग है, यू गेट योर ह्यूज विंडोज, यू PVC स्लाइडिंग डोर्स हैं, मेश लगा हुआ है उसमें, सो वेंटिलेशन अच्छे से इस रूम में अवेलेबल है. दैट वॉज द वार्डरोब एंड दिस इज द टेम्पल रूम. So in this room they have provided the temple room. So this is the area for temple room. इसमें इन्होंने white marble लगाया हुआ है. And इसका ये adjoining bathroom है. इसमें grey color की color scheme है. Again everything is the same in the bathroom as previous bathroom. साइज इज ऑल्सो क्वाइट डिसेंट साइज है बाथरूम का. सो दैट्स हाउ द थर्ड रूम इज. सो नाउ टेकिंग यू टू द मेजर अट्रैक्शन ऑफ दिस फ्लोर, दैट इज द मास्टर बेडरूम. सो दिस इज हाउ द मास्टर बेडरूम लुक्स. ह्यूज साइज, काफ़ी ज़्यादा जगह मिल जाती है आपको. अपने काउच या सोफा कम बेड भी रख सकते हो आप, अपार्ट फ्रॉम द डबल बेड एज यू कैन सी विच इज़ प्लेस देयर. काफ़ी बड़ी वॉक इन क्लोजेट मिलती है एंड बाथरूम में क्या सरप्राइज है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा. सो दिस इज द एरिया फॉर द काउच एज आई मेंशनड. एंड इसका LCD पैनल इज ऑल्सो वेरी यूनिक, आई शो यू. सो दिस इज हाउ इट लुक्स from this side. See, अगर आप देख रहे हो कि फर्नीचर मिलेगा नहीं मिलेगा, फर्नीचर की कॉस्ट अलग है, हमेशा अलग होती है. सो फर्नीचर कॉस्ट इज नॉट इंक्लूडेड. दिस इज जस्ट टू शो यू कि कैसा लगेगा ये फ्लोर अगर आप अपना फर्नीचर यू नो प्लेस करते हो. अगर आपको ये फर्नीचर चाहिए तो इसकी कॉस्ट आपको लगा देंगे अच्छी. सो दिस इज द थिंग. सो यू कैन रिवॉल्व योर TV इफ़ यू वॉन्ट आर सिटिंग ऑन द काउच. सो काउच पे बैठे हो पीछे तो वहाँ देखना है तो रिवॉल्व करके वहाँ देख सकते हो, बेड पे बैठे हो तो रिवॉल्व करके बेड साइड पे देख सकते हो. सो नाउ दिस इज द वॉक इन क्लोजेट. काफ़ी बड़ी क्लोजेट मिलती है आपको विथ स्लाइडिंग डोर्स. स्टोरेज स्पेस काफ़ी अच्छी है, यूटिलाइजेशन काफ़ी अच्छी है. सी, घर चाहे 500 गज का हो 570 गज का हो, लेआउट अगर अच्छा है ना तो काफ़ी सारी चीज़ें की स्पेस अच्छे से यूटिलाइज हो सकती है. सो दिस इज़ दी मास्टर बाथरूम. सो मास्टर बाथरूम में दो सरप्राइजेस क्या मिलते हैं आपको. एक तो ये स्टीम, दैट द शॉवर सेट. And this is a jacuzzi. So you get shower set, you get a steam room, you get a jacuzzi. You get 3-in-1 in this master bathroom. So you can enjoy your jacuzzi. Obviously you will take bath every day, so this is the shower set for you. And then this is the steam room. So this is the console for the steam room. So this is where you can take steam bath. So very good thought process behind it, that आपको jacuzzi और steam bath दोनों दे रहे हैं. Now I'll take you to the back balcony. So इसमें आपको side balcony भी मिलती है, front मिलती है, and this is the back balcony. एंड बैक बालकनी से पूरा लश ग्रीन व्यू है बिकॉज काफ़ी ज़्यादा प्लांटेशन है यहाँ पे. सो दैट्स हाउ एंड दैट्स ऑल फ्रॉम दिस फ्लोर.
कैसी लगी आपको प्रॉपर्टी, डू कमेंट करो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगेन, एंड फॉर मोर इन्फो फॉर साइट विजिट्स, दोज हु आर जेन्युइन बायर्स हु आर इंटरेस्टेड इन बाइंग, दोज हु आर लुकिंग फॉर प्रॉपर्टी अराउंड सोना रोड, दिस इज द डील फॉर यू, दिस इज द प्रॉपर्टी टू लिव इन, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज बहुत अच्छा प्राइस है इसका, प्राइस है 2.55 फॉर द मिडिल फ्लोर, बिकॉज टॉप फ्लोर एंड अपर ग्राउंड आर सोल्ड आउट, सो मिडिल फ्लोर अवेलेबल है, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, आपकी चॉइस है, कम व्यू, कॉन्टैक्ट अस, कॉल मी ऑन द नंबर गिवन बिलो, एंड लेट्स क्रैक दिस डील फॉर यू, अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू.